हेलो, क्या आपने कभी सोचा है कि आप और मैं मार्स पे जा सकते हैं? जी नहीं ना, लेकिन अभी आप सोच सकते हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मार्स वन फाउंडेशन के द्वारा कौन और कैसे मार्स पे जा सकता है। तो पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो से बने रहिए। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है वेदांत और आप देख रहे हैं वीडियो एक्सप्लेन्स। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो अभी आप ये बोल रहे होंगे कि अरे भाई, पहले अर्थ तो अच्छे से घूमने दे, क्या तू मार्स की बातें कर रहा है? आप अर्थ घूमिए, लेकिन 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 उससे पहले ये वीडियो देखिए। तो बात कुछ ऐसी है, 2012 में मार्स वन नाम के एक फाउंडेशन है, उन्होंने ऐसा अनाउंस किया था कि वो उनका एक ह्यूमन सैटेलाइट मार्स पे भेजने वाले, और वो मिशन का नाम रहने वाला है द कॉलोनाइजेशन मिशन। लेकिन हर स्पेस मिशन की तरह ये स्पेस मिशन भी आसान नहीं है। आपने वो कहावत सुनी है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है? जी हाँ, वैसे ही कहावत यहाँ पे भी कुछ अप्लाई होती है। तो बात ऐसी है कि जो लोग मार्स पे जाने वाले हैं ये मिशन के द्वारा, वो पहले इंसान बनेंगे मार्स पे अपना कदम रखने वाले। जी हाँ, पहले इंसान मार्स पे कदम रखने वाले, लेकिन वो अपना कदम पहले मार्स पे तो रख देंगे, लेकिन वो अपना कदम वापस पृथ्वी पे नहीं रख सकते। जी हाँ, आपने बराबर सुना, यानी कि वो एक बार मार्स पे चले गए तो वापस अर्थ पे नहीं आ सकते। इसलिए मैंने कहा कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो चलिए, ये बात तो हो गई मिशन की, लेकिन अभी आप बात करते हैं कि वो कौन लोग हैं जो जाने वाले हैं ये मिशन पे। तो मार्स वन फाउंडेशन जो है, उन्होंने डिक्लेयर किया था कि जिन जिन लोगों को भी, यानी कॉमन पीपल, आम इंसान, जिन जिन को भी जाना है, वो उन्हें एप्लीकेशन के द्वारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कुछ ही दिनों बाद मार्स वन फाउंडेशन ने डिक्लेयर किया कि उन्होंने टोटल एप्लीकेशन 2,02,586 2,02,586 एप्लीकेशंस रिसीव किए हैं। जी हाँ, आपने बराबर सुना, 2,00,000 से भी ज़्यादा। और उन्होंने ये भी बताया कि किन किन कंट्रीज़ में से कितने कितने परसेंट आए हैं, तो चलिए वो भी देख सकते हैं। तो मार्स वन फाउंडेशन ने बताया कि टोटल 140 कंट्रीज़ में से उन्हें एप्लीकेशन रिसीव हुए, जिसमें से 1/4 यूनाइटेड स्टेट से आए हैं और 10% इंडिया। जी हाँ, हमारे इंडिया से भी इतने लोगों ने एप्लीकेशन भेजी है। तो 10% इंडिया, 6% चाइना भी पीछे नहीं है, 6% चाइना, और 4% ब्राज़ील, ब्रिटेन, कनाडा, रशिया, मेक्सिको। हाँ, 4% ब्राज़ील, ब्रिटेन, कनाडा, रशिया, मेक्सिको से गए हैं। तो मार्स वन फाउंडेशन ने ऐसा बताया है कि उन्हें जितने भी एप्लीकेशंस आए हैं, उनमें से वो 6 टीम सिलेक्ट करेंगे, हर एक टीम में 4 लोग होंगे, यानी कि टोटल 24 पीपल। और वो 24 पीपल को 7 साल की ट्रेनिंग दी जाएंगी उनके कैंप में, कि मार्स पे कैसे सर्वाइव करते हैं। और उन्हें ट्रेनिंग होने के बाद पहले टीम को मार्स के लिए रवाना किया जाएगा। वो टीम पहुंचने के बाद 1 साल बाद उसे दूसरी टीम भेजी जाएंगी। ऐसे करने के टोटल 6 टीम होने के बाद 2 साल बाद वो उनका एप्लीकेशन फॉर्म फिर से रीओपन करेंगे। यानी कि अगर आपको फिर से मार्स के लिए जाना होगा तो आप भी वो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो अभी आपके दिमाग में एक बात आ रही होंगी कि वो सब तो ठीक है, लेकिन ये मिशन के लिए कॉस्ट कितना आने वाला है, कितना खर्चा लगने वाला है? ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये मिशन का कॉस्ट क्या है। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि मार्स वन जो कंपनी है, मार्स वन फाउंडेशन, उन्होंने प्राइवेट डेवलपर्स के साथ मिलके ये मिशन कंप्लीट करने का सोचा है। और अभी आप पूछ रहे हो ये कॉस्ट बता, ठीक है मैं आपके लिए कॉस्ट बता देता हूँ। तो ये मिशन की टोटल कॉस्ट है $6 बिलियन, बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। और अभी मैं इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके बताता हूँ, आप आपकी स्क्रीन में देख सकते हैं, बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए पढ़ के बता देता हूँ, 437,463,000,000 रुपीस। तो देख लीजिए कितना बड़ा आंकड़ा है और ये इतने मिशन के लिए आने वाला है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया और आप चले गए मार्स पे। वो मार्स वन फाउंडेशन कंपनी के भी कुछ रूल्स होते हैं, और वो रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। वो रूल्स मैं आपको सामने आने वाली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये मेरी मेहनत थोड़ी सी पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं रूल्स की। तो सबसे पहले आपकी आईसाइट अच्छी होनी चाहिए, यानी कि आपका विजन अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात, आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ। और तीसरी बात, आपको कोई बड़ी इंजरी नहीं होनी चाहिए, या फिर आपको इंजरी होंगी तो वो आपको स्पेसिफिकली उनको बताना पड़ेगा, और आपको आपका पूरा मेडिकल सर्टिफिकेट आपको उनको दिखाना पड़ेगा, और वो भी उनकी तरफ से आपका एक मेडिकल सर्टिफिकेट निकाल लेंगे, और फिर ही आगे की प्रोसेस शुरू कीजिए। तो अभी मैं आपको इस मिशन का थोड़ा बेसिक इन्फो दे देता हूँ कि ये मिशन का आइडिया किसको आया है, ये मिशन कब स्टार्ट हुआ, और ये मिशन कब डिक्लेयर हुआ, और अभी कोरोना पैंडेमिक में ये मिशन चालू है या बंद है, और कब तक जाके ये मिशन खत्म होगा। तो सबसे पहले, इसका आइडिया तो 2012 में ही मार्स वन फाउंडेशन को आ गया था, जो कि मैंने आपको वीडियो में पहले बता दिया है। और 2013 में ये मिशन को डिक्लेयर किया गया जनता के सामने कि ऐसा ऐसा मिशन होने वाला है और वो मार्स वन फाउंडेशन कंप्लीट करने वाला है।
ऊपर से अभी कोरोना पेंडेमिक में ये मिशन तो बंद होगा, ये ऑब्वियस सी बात है, आप सबको मालूम होगा कोरोना पेंडेमिक क्या है। तो 2022 तक इनको अपने जो टीम से उन्हें मार्स पे भेजना था, लेकिन अभी कोरोना के वजह से नहीं हो पाया, तो 2-3 साल ये मिशन डिले होगा। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एलिसा कार्सन वो पहली महिला बनेंगी जो मार्स पे अपने कदम रखेंगी। अगर आपको इनके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि अगला वीडियो मैं इन पे बनाने वाला हूँ। अगर आपको ये मेरी बात थोड़ी सी भी डाउटफुल लग रही होगी तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपके लिए ये न्यूज़ आर्टिकल की लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। वैसे तो ये मिशन के बारे में आपको बताने के लिए मेरे पास बहुत सी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको इसका पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा, मैं इस पे पार्ट 2 ज़रूर बनाऊंगा सिर्फ आपके लिए। और आपको ये मेरी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आई होंगी तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, मेरा नाम है वेदांत, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।